बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड सिक्स एंड टुडे इट्स आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश। यू नो वी हैव डन द रीडिंग ऑफ द यूनिट नंबर फोर इन आवर प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट द रॉक्स, रीडिंग ऑफ हाफ यूनिट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। In our previous lecture, we have studied about different types of rocks: igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks. तो हमने igneous rocks को define किया कि igneous rocks क्या होती हैं, वो किस तरह से जो हैं बनती हैं और फिर टूट टूट का शिकार होती हैं, कि जब magma जो है अर्थ सरफेस से बाहर आता है और जो है वो लावा की फॉर्म में जब वो आ जाता है, लावा की फॉर्म अख्तियार कर लेता है, तो उससे कूल डाउन होकर फिर igneous rocks बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फिर हमने देखा कि वो कैसे बनती हैं, कि जब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और द अदर सेडिमेंट्स, छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो समंदर की तह में, जैसे वो दरियाओं के बहाव से, पानी के तेज़ बहाव से, ग्लेशियर्स के टूट फूट के शिकार से वो जमा होते रहते हैं। इस तरह उनके ऊपर दूसरी लेयर्स बनती हैं और डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। जो फर्स्ट लेयर्स होती हैं, जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, वो नीचे वाली लेयर्स को स्क्वीज़ करती हैं प्रेशर से, और उनके स्क्वीज़ करने के अमल से क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेडिमेंटरी रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। थर्ड फॉर्म थी, अच्छा टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं: ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स, केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। जो ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स हैं वो क्या हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये फ्लोरा एंड फौना के फॉसिल्स से जो हैं वजूद में आती हैं। अबाउट आर फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना क्या है? द टर्म फ्लोरा डिस्क्राइब्स ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, फंजाई एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर रीजन, एंड फौना डिस्क्राइब करता है ऑल द एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर, किसी भी जगह पे, किसी भी रीजन में जो है, जो प्लांट्स लाइफ जो है, प्लांट्स के अबाउट डिफरेंट ट्रीज प्लांट्स, तो वो क्या कहलाती है? फ्लोरा। और जो एनिमल लाइफ है वो क्या कहलाती है? फौना। तो इनके जो रिमेंस हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेंस से जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोजिशन के बाद जो रॉक्स बन जाती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्राई, देयर बॉडीज डिकम्पोज एंड बरी इन द लैंड आर इन ओशन फ्लोर्स। इस तरह से जब वो खत्म हो जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं, जब उनके बॉडीज किसी भी समंदर की तह में या जमीन की तह में वो खासा अरसा रहते हैं, सालों बाद क्या होता है कि डिफरेंट ओवर द ईयर्स एनिमल रिमेंस जब बोन्स रह जाती हैं, जैसे जानवर अगर मर जाते हैं तो शेल्स हैं उनके, बोन्स हैं, और जो प्लांट रिमेंस हैं जैसे रूट्स, लीव्स, तो क्या करते हैं? पाइल अप इज ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स एंड फॉर्म ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक की टाइप्स आ जाती हैं: चॉक, डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक। ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स आर सब डिवाइडेड इन टू द टू टाइप्स: कैल्केरियस सेडिमेंटरी रॉक्स एंड कार्बोनेशियस सेडिमेंट। अब ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स की भी आगे टू टाइप्स हैं: कैल्केरियस एंड कार्बोनेशियस। चॉक एंड लाइमस्टोन आर कैल्केरियस सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द एनिमल रिमेंस। जो एनिमल रिमेंस से बनती है वो कैल्केरियस सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, और उस तरह जो प्लांट रिमेंस से बनती है वो कार्बोनेशियस हैं। एंड कोल इसकी एग्जाम्पल है, कोल इज अ कार्बोनेशियस सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म फ्रॉम द प्लांट रिमेंस। द नेक्स्ट वन इज केमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द डिजॉल्व मिनरल्स। अब जो मिनरल्स जो जमीन की तह में डिजॉल्व हो जाते हैं उनसे जो रॉक्स बनती हैं वो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक्स है। दीज आर मोस्टली फाउंड इन द ह्यूमिड एरियाज, कि नमी वाले एरियाज में ये ज़्यादा पाई जाती हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट होता है। द ओशंस एंड द अदर वाटर बॉडीज लाइक सीजनल लेक्स कंटेन पाइल्स ऑफ मिनरल्स। वन सम ऑफ द मिनरल्स प्रेसिपिटेट, देयर लिक्विड कंपोनेंट्स एवोपरेट एंड द सॉलिड कंपोनेंट्स सेटल एट द बॉटम टू फॉर्म दीज रॉक्स। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, रॉक सॉल्ट है, लाइम स्टोन, चर्ट एंड फ्लिंट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रॉक्स। ये किससे बनती हैं? मिनरल्स से। जो मिनरल्स जो हैं क्या करते हैं? व्हेन दे प्रेसिपिटेट, जो लिक्विड कंपोनेंट्स है वो एवोपरेट हो जाता है, जो सॉलिड जो है वो अगेन बॉटम में जमा होके ये रॉक्स बनाता है। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द क्लास्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से मौजूद जो रॉक्स हैं, अगेन जब वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं उनके फ्रेगमेंट्स से कौन सी रॉक्स बनती है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास्टिक रॉक्स। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, रॉक्स ब्रेक डाउन इन द स्मॉलर पीसीज। ओके, वेदरिंग का जो इफेक्ट है, यानी कि
अगेन मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स आर द रनिंग वाटर क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इनको स्मॉलर पीसेज में. रिवर स्ट्रीम्स ग्लेशियर्स इन द विंड ट्रांसपोर्ट दीज पीसेज ऑफ रॉक्स टू डिफरेंट प्लेसेज ऑन द लेन एंड इन टू द वाटर बॉडीज. ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन द पीसेज ऑफ रॉक्स ब्रेक डाउन फर्दर इन टू द फाइन पार्टिकल्स. हैवियर पार्टिकल्स लाइक ग्रेवल डिपॉजिट एट द बॉटम. लाइटर पार्टिकल्स लाइक सिल्ट क्ले एंड द सैंड देन फॉर्म अ लेयर ऑन द हैवियर पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंट टू फॉर्म द क्लास्टिक रॉक्स. Conglomerate, sandstone, siltstone, clay and shale are some examples of clastic rocks. There are two types of clastic rocks depending on the dominating rock material, arenaceous and the argillaceous sedimentary rocks. A mechanically formed rocks kya hoti hain? A fragment of pre-existent rocks yani ki unki toot phoot ke shikar se banti hain jo pre-existent yani ki pehle se jo maujood rocks hoti hain. Again unko weathering se kya hota hai? These rocks break down with the smaller pieces. फिर जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, विंड हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह में. तो जो हैवी पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट यानी कि वो बॉटम पे जमा हो जाते हैं. जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इन हैवियर पार्टिकल्स पे अपनी लेयर बना लेते हैं, इनके ऊपर जमा हो जाते हैं. फिर ये आस्ता आस्ता कम्पैक्ट होते हैं और सीमेंट मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्लास्टिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. और उसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्ले, शेल एंड सैंडस्टोन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक. Arenaceous sedimentary rocks are mostly composed of sand grains. Sandstone is the most common example of these rocks. Sandstone जो है ये सैंड ग्रेन इनके रेत के छोटे छोटे जरा जो है उनसे मिलकर बनती हैं एंड सैंडस्टोन इसकी एग्जाम्पल है. Argillaceous sedimentary rocks are mostly composed of clay. शेल एंड क्ले आर ये मिट्टी से जो बनती हैं, सॉफ्ट होती हैं. शेल और क्ले जो है इनकी एग्जाम्पल है. तो ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स की डिफरेंट टाइप्स थी. डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म ओरिजिनली ऑर्गेनिकली केमिकली एंड द मैकेनिकली इनका क्या डिफरेंस है. सोर्स ऑफ मटेरियल केमिकली फॉर्म जो है रिमेन्स ऑफ एनिमल इम्प्लांट से बनती हैं. मैकेनिकली डिजॉल्व मिनरल से हमने पढ़ा और ऑर्गेनिकली फ्रेगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टेंट रॉक्स. थर्ड फॉर्म जो लास्ट फॉर्म है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स मेटा मीनिंग चेंज एंड मॉर्फ मीनिंग शेप. तो मेटामॉर्फिक का क्या मतलब हुआ, चेंजिंग इन शेप. एज द नेम सजेस्ट दीज आर actually igneous and the sedimentary rocks that have changed their shape, texture and other characteristics due to immense pressure and the heat beneath the earth. The process involved in change is called the metamorphism. जो process है वो metamorphism होता है. और इससे क्या होता है, igneous और जो sedimentary rocks हैं actually ये metamorphic rocks वही होती हैं. इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना शेप जो है, अपना साइज जो है वो चेंज कर लिया होता है उनकी. अगेन इमेंस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर की वजह से उनकी करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो है वो चेंज हो जाती हैं. तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, हम उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड द रीजनल मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड रॉक्स एंड रेजिस्टेंट टू द वेदरिंग एंड द इरोजन. मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइट, नाइस, ओके, ये हार्ड होती हैं और ये वेदर रेजिस्टेंट होती हैं यानी कि वेदर को बर्दाश्त कर लेती हैं जो भी चेंजेस होती हैं. मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइट, नाइस एंड चिस्ट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स. रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या है, चेंजेस इन द रॉक्स अकर ड्यू टू इंटेंस टेम्परेचर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ रॉक्स. यानी कि जो लेयर्स हैं रॉक्स की, जो एक के ऊपर दूसरी है कि दूसरे के ऊपर थर्ड लेयर है, तो अगर वो ऊपर वाली लेयर जो है नीचे वाली लेयर्स पे प्रेशर डालती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं. जैसे शेल है वो चेंजेस टू स्लेट. कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या है, चेंजेस इन द रॉक्स अकर ड्यू टू द इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मैग्मा. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन चेंजेस टू द मार्बल. इसमें यह है कि जो रॉक्स में चेंजेस आती हैं, अगेन इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर जो कि मैग्मा जो है डालता है, तो उससे चेंज हो जाता है लाइमस्टोन जैसे चेंज हो जाता है मार्बल में. फ्रेंड्स, वी हैव रीड इन दिस यूनिट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन डिटेल एंड यू आल्सो हैव टू स्टडी दिस यूनिट एंड नोट डाउन दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन योर नोटबुक. प्रिपेयर दिस यूनिट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. होम स्टे सेफ.